नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द असाइनमेंट इज कॉस एक्स अपॉन वन माइनस एन एक्स। आपको प्रूव करना है कॉस एक्स अपॉन वन माइनस एन एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाय प्लस एक्स पाई। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस एन एक्स। ध्यान से देखना, कुछ चीजों को ध्यान से समझ। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन आई से दैट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर की बात करते हैं। आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है? टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। साइन टू है, टू साइन नहीं होता तो साइन ए ऐसा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट ये जो आपका वन माइनस साइन एक्स है, देखो वन माइनस साइन एक्स, ये जो आपका वन माइनस साइन एक्स है, देखो पहले तो मैं न्यूमरेटर की बात कर, कॉस एक्स को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्या एग्री करते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस? अब डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में आप देखो, आपको कैन आई से दैट वन वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो? और साइन एक्स, साइन ए साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, यस और नो? लेकिन अगर मैं इसी आइडेंटिटी के साथ चाहता हूं तो कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, बनाने की कोशिश। क्या मैं एक्स को एक्स बाय टू लिख सकता हूँ? इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है जो आपका न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करने में आपको हेल्प करेगी। कैसे देखो, न्यूमरेटर में तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो अब इसको ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब न्यूमरेटर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये हो जाएगा ए प्लस बी, एंड देन ए माइनस, देन ए माइनस लिख सकता हूं मैं। एंड इन डिनोमिनेटर वी विल हैव कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, यस और नो? देखो राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय। तो टेन के लिए मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि साइन को कॉस से डिवाइड कर। मैंने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाय, यस और नो? तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू, अगेन कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, दे रहे हैं अंदर? ठीक है, हाँ जी, यहां पर क्या आएगा आपका कॉस एक्स बाय। चलो अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा वन, ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा वन। कैन आई से दैट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी इक्वल टू वन प्लस
एक्स बाय टू यस और नो, अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x/2। अब ये फॉर्मूला कोई अभी तक तो नहीं बन रहा, क्या मैं 1 को ले सकता हूँ 10y/2 प्लस में क्या हो जाएगा 10x/2 1 माइनस। अब ध्यान से देखना भाई, 10x/2 को मैं 10x/2 × 1 लिखूंगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 1 की जगह आप क्या ले सकते हो 10π/4, और इनटू में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वैल्यू अभी भी इसी के इक्वल है, इसी समझ में आ रही है आप। लेकिन ऐसे लिखने से क्या हुआ, अब ये क्या बन गई आपकी ये आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 10a+10b/1 − 10a/10b, किसके इक्वल होता है 10a+b, 10a+ यहां मेंशन करोगे साथ में क्यों लिखा, बिकॉज 10a+10b/1 − 10a/10b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a+10a+। समझ में आ गया, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इट क्लियर? ठीक है।